दोस्तों आज मैं ले आया हूं आपको मेरे टेरेस गार्डन में और करने वाले हैं यहां से सब्जियों की हार्वेस्टिंग। आप देख रहे हैं सामने कितने अच्छे टमाटर लगे हैं। टमाटर के साथ साथ आज हमें भिंडी और लौकी बहुत अच्छी मिलने वाली हैं, तो आज का ये पूरा वीडियो बड़ा ही खास होने वाला है और मिलने वाली हैं ढेर सारी सब्जियां। तो आपको वीडियो देखना है लास्ट तक और बताना है कि कौन सी सब्जी आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेरेस एंड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। यदि आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। आप देख सकते हैं टेरेस गार्डन में पूरी हरियाली है और यहाँ पर ढेर सारी सब्जियाँ अब जो है हार्वेस्टिंग के लिए रेडी है। और आज की खास हार्वेस्टिंग में रहेगी हमारी ये लौकी गोल वाली, जो कि इस तरह से इसमें स्पॉट होते हैं, तो इस लौकी को भी तोड़ेंगे और ढेर सारी सब्जियां तोड़कर आपको दिखाएंगे। तो चलिए आज की जो हार्वेस्टिंग है वो शुरू करते हैं और एक एक सब्जी को तोड़ते हैं। वीडियो अच्छा लगे, हार्वेस्टिंग अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों ये है हमारी गोल लौकी और ये रेडी हो गई है, यहाँ से इसे आज हम तोड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं जो ये हमारा बैग है इसे कट कर देता हूँ। और नीचे से देखिए इस तरह से ये डिस्पोजल बैग जो है, मैं नीचे आ जाता हूँ, डिस्पोजल बैग जो है इस तरह से देखिए फट गया था। इसका जो वीडियो है वो कल ही मैंने पब्लिश किया है कि कैसे आप डिस्पोजल बैग को लगाकर 2 रुपए की चीज़ से अपने इतने कीमती जो फलों को है ख़राब होने से बचा सकते हैं। ये इस तरह से देखिए आराम से निकल जाएगा। और अब मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए ये है हमारी गोल लौकी और काफ़ी अच्छी है, काफ़ी इसमें वजन है। एक हमने तोड़ ली, अभी एक और लगी है, उसको और हार्वेस्ट कर लेते हैं। ये देखिए ये है हमारी दूसरी लौकी और मैं इसे तोड़कर दिखाता हूँ आपको। ये भी बहुत अच्छी है और एक लौकी और है, उसे और तोड़ लेते हैं। देखिए ये तो मेरा डिस्पोजल बैग बच गया, ये भी थोड़ा थोड़ा यहाँ से फट रहा था। तो ये देखिए ये है हमारी तीसरी लौकी और इसका भी यहाँ से ये कवर फट गया है, तो इसे भी रख लेते हैं सब्जियों के साथ। तो आज हमें ये तीन जो है गोल लौकी मिल गई है, हमने यहाँ पे रख दी है। दोस्तों ये है हमारे टमाटर और ये जो टमाटर हैं वो मैंने गर्मी के ही लिए लगाए थे और अब हमें इनकी देखिए पहली जो हार्वेस्टिंग मिलने लगी है। और यहाँ से जो हम मैं ये तोड़ रहा हूँ ये फर्स्ट हार्वेस्टिंग है इन टमाटर की। तो आज हम यहाँ से जितने भी हमारे लाल लाल टमाटर हैं उन्हें हम तोड़ लेंगे इस तरह से। और ये जो टमाटर के पौधे हैं ये रेक्टेंगुलर ग्रो बैग में लगे हैं, 60x12x12 इंच का ग्रो बैग है, मतलब कि 5 फिट इसकी लंबाई है, 1 फिट इसकी चौड़ाई है और 1 फिट इसकी ऊंचाई है। इसमें मैंने 5 जो है टमाटर के पौधे लगाए हुए हैं। ये देखिए एक में 2, 4, 6, 7 टमाटर लगे हैं, एक ही इसके जो फूल आया होगा सारे फूल जो है टमाटर में कन्वर्ट हो गए हैं। और अभी गर्मियां तेज़ हैं तो थोड़े से फूल जो है ख़राब होने लगे हैं। तो टमाटर के जो फूल से जो फल बनता है वो लगभग लगभग आप मान के चलिए कि 30 डिग्री सेल्सियस तक तो बनेगा, उसके बाद जो है इसमें फल बनने में प्रॉब्लम आने लगेगी, मतलब फूल गिरने की समस्या बढ़ जाएगी। ये देखिए हमारे 5 टमाटर के पौधों से हमें कितने अच्छे टमाटर मिल गए हैं, इन्हें रख देते हैं सब्जियों के साथ। आपको कैसे लगे जरूर बताएं। अब दोस्तों ये है हमारे टमाटर का दूसरा बैच और यहाँ भी कुछ टमाटर जो है अब लाल हो गए हैं, तो हम इन्हें भी अब तोड़ लेते हैं। और ये टमाटर भी मैंने गर्मी के लिए ही लगाए थे और देखिए इन्हीं टमाटर की जो बास्केट है इसी में हम रख रहे हैं। और ये बड़ा ग्रो बैग है 72x36x12 इंच का और इसमें हमने लगभग 12 पौधे लगाए हैं, तो इसमें थोड़े हमने ज़्यादा पौधे लगाए थे। और ये भी पौधे अच्छे हैं लेकिन गर्मी के कारण अब इनमें भी जो है इनके पत्ते सूखने लगे हैं, थोड़ा सा डलनेस इनमें आ गई है।
ऊपर से मैं आपको दिखा दूं तो कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं ये पत्ते पौधे दिख रहे हैं हमारे। और यहाँ पे कुछ टमाटर लगे हैं तो यहाँ पर ये जो टमाटर हैं इन्हें भी तोड़ लेते हैं। आप जो ये सामने देख रहे हैं ये है हमारी अमेरिकन ब्लैक खीरा, इस तरह से होती है। देखिए काफ़ी अच्छी इसकी जो है फ्रूट साइज हमें मिली है और काफ़ी ज़्यादा ये लगती है। अगर एक बार इसमें ग्रोथ होने लगे तो ये बहुत ज़्यादा लगती है और जब इतनी बड़ी हो जाए तो आप तोड़ लीजिए। और ये बिल्कुल भी कड़वी नहीं होती, इसे मैं छोड़ रहा हूँ, ये अभी थोड़ी छोटी है। और यहाँ पे एक ये लगी हुई है, ये देखिए। तो अभी पौधे ठीक हैं, फ्रूटिंग चल रही है, कुछ पत्तियाँ इस तरह से ख़राब हो रही हैं तो इन्हें हम हटाते जा रहे हैं। और नीचे भी अभी कुछ ग्रोथ है तो वहाँ पर भी फ्रूटिंग हो रही है। तो यहाँ से इतनी अमेरिकन ब्लैक खीरा मिल गई हैं। अब दूसरे खीरा के पौधे पर चलते हैं और वहाँ से भी खीरा तोड़ते हैं। देखिए ये दूसरा ग्रो बैग है हमारे खीरा का और यहाँ पे जो है काफ़ी खीरा लग रहे हैं। तो ऊपर से देखिए यहाँ से तोड़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये एक खीरा, इसके बाद यहाँ पे एक खीरा। ये थोड़ी सी इनकी साइज आगे पीछे मिलेगी आपको, खीरा में ऐसा होना कॉमन है इस तरह से। और अगर आपके खीरा कड़वे हो रहे हैं तो उसके पीछे का रीज़न मैं बता दूं कि इनमें अगर आप पानी का जो है बैलेंस सही नहीं रखेंगे, मतलब पानी अगर कम ज़्यादा होगा तो फिर खीरा जो है कड़वा हो सकता है। यहाँ पे देखिए एक ये है और ये काफ़ी अच्छा है। और कहाँ है, एक यहाँ पर है। अच्छा, आपको खीरा खाना पसंद है कि नहीं जरूर बताएं, गर्मियों में खीरा की डिमांड बढ़ जाती है। इसको छोड़ दें, तोड़ लें, इसको भी इसको छोड़ देते हैं, अभी छोटा है, इसको कल तोड़ेंगे। गार्डन में आएंगे तभी खीरा तोड़ने को मिल जाएगा। और एक छोटा ये है। तो इस तरह के खीरा तोड़ लीजिए, देखिए जो शेप में इस तरह के होते हैं इन्हें आपको तोड़ना होगा। और कभी कभी जब हम गार्डन में आते हैं तो इस तरह से खीरा छोड़ देते हैं तो इन्हें तुरंत तोड़कर खाते हैं, इसलिए मैंने इसे छोड़ दिया है। और एक और यहाँ पर है, ये भी जो है इसे भी तोड़ना हमें पड़ेगा, ये देखिए। तो ये हमें मिल गए हैं इतने खीरा, आपको कैसे लगे ज़रूर बताएँ। और क्या आपने भी अपने होम गार्डन में खीरा लगा रखे हैं उसके बारे में भी कमेंट्स करें। दोस्तों एक और खीरा का ये देखिए पौधा है और यहाँ से ये एक खीरा हमें तोड़ना होगा। ये थोड़ा सा टेढ़ा हुआ है लेकिन कहीं से ख़राब नहीं है। तो अभी आप देखिए हमारे आज कितने सारे खीरा हो गए हैं। ये खीरा रख देते हैं सब्जियों के साथ, आपको कैसे लगे ज़रूर बताएं। दोस्तों ये है हमारी पीली जुकनी और आज यहाँ से हम इसे तोड़ रहे हैं, तो ये देखिए। और काफ़ी अच्छी ये जुकनी है, पीले कलर की है, पतली है, इसे यहाँ पर रख देते हैं। और एक देखिए ये जुकनी है, इसको हमने बांध दिया था तो ये बड़ी नहीं हुई, अब इसे भी यहाँ से तोड़ लेंगे। और साथ में एक और जुकनी हमारी यहाँ पर है, ये इसे भी हम आज तोड़ लेंगे। अच्छा, जुकनी में हैंड पॉलिनेशन ज़रूर करें आप, अगर आप अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो। ये देखिए तो ये तीन जुकनी हमें मिल गई हैं। अच्छा, इसमें जब फूल ऐसा खिला रहे जैसे अभी देखिए ये खिला हुआ है, तो इन सब में अभी मैं हैंड पॉलिनेशन कर दूँगा। इसमें क्या किया जाता है, इस मेल फूल से ही पोलन लेना है, ये मेल फूल है यहाँ से, और इसमें लगा देने हैं, बस इतना सा काम है, फिर ये जुकनी आपकी बड़ी होगी और इस तरह से आपको जुकनी तोड़ने को भी मिलेगी। तो ये जुकनी आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं, इन्हें रख देते हैं सब्जी के साथ। दोस्तों ये है हमारा बटरनट स्क्वैश, थोड़ा सा छोटा है लेकिन अब ये पहला फ्रूट है तो हम यहाँ से इसे तोड़ लेते हैं और इस तरह से आप काट लीजिए। ये भी गर्मी में बड़े आसानी से हो जाता है और आप देखिए इस तरह से इसका शेप होता है, बिल्कुल ही अलग टाइप का होता है, खाने में बहुत अच्छा लगता है, कद्दू जैसा इसका स्वाद होता है। और इसके पौधे आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर और भी बटरनट स्क्वैश लग रहे हैं, इस तरह से लगते हैं। देखिए ये आया है इसका फीमेल फूल, अब इसको मैं पॉलिनेट कर दूंगा, फिर इस तरह से जो डिस्पोजल बैग है उससे कवर कर दूंगा और बाद में यहाँ से हमें इस तरह से और भी बटरनट स्क्वैश तोड़ने को मिलेंगे। इसे रख देते हैं सब्जियों के साथ, आपको कैसा लगा ज़रूर बताएँ। दोस्तों ये है हमारी लाल भिंडी जिसे रेड ओकरा कहा जाता है और आप देखिए हमें यहाँ से लाल भिंडी तोड़ने को मिल रही है।
लगाए हुए लगभग 50 से 60 दिन हुए हैं। भिंडी 45 दिन में लगभग पहली हार्वेस्टिंग देने लगती है भिंडी के पौधे। और ये जो ग्रो बैग है ये 36x24x12 इंच, मतलब 3 फिट लंबा है, 2 फिट चौड़ा है, 1 फिट ऊंचा है। इसमें हमने 2, 4, 12 के आसपास पौधे लगाए हैं। भिंडी के पौधों की दूरी 8 से 10 इंच आपको रखनी है और बाकी इनमें इन्हें फुल सनलाइट में रखिए। और भिंडी एक ऐसी सब्जी वाली कह सकते हैं फसल है जो पूरी गर्मी आप लगा सकते हैं। तो यहाँ से लाल भिंडी हो गई है। एक और लाल भिंडी का हमारा जो है ग्रो बैग है उसमें भी कुछ लाल भिंडी लगी है, तो वहाँ से भी हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। अगर आपको इस तरह से लाल भिंडी लगानी है तो इसके बीज आपको मिल जाएंगे वेबसाइट organicbazaar.net पर। ये देखिए यहाँ पे इस ग्रो बैग में जो है कुछ और लाल भिंडी है, तो इन्हें तोड़ लेते हैं। और साइज आप देख रहे हैं कितना अच्छा हमें मिला है, काफ़ी अच्छा साइज है। और इस तरह से नीचे से ही रेड रहेगी, खाने में भी बहुत ज़्यादा इसे न्यूट्रिशन रिच माना जाता है और मार्केट में भी अभी ये मिलने लगी है। काफ़ी कॉस्टली भी मिलती है, आपके एरिया में अगर मिलती है तो बताइए इसका क्या रेट होता है ताकि मुझे पता चले कि मुझे कितने के रुपए की लाल भिंडी मिल रही है। थोड़ी होगी, 200-250 ग्राम के आसपास ही होगी, लेकिन एक बार की सब्जी इसमें बन जाएगी। तो ये लाल भिंडी आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं, इसे रख देते हैं सब्जियों के साथ। दोस्तों ये है हमारी हरी भिंडी और हरी भिंडी भी बहुत अच्छी हो रही है और इसे भी आप सेम टाइम पर लगा सकते हैं। और इसे भी मैंने तभी लगाया था, हरी भिंडी की ये दूसरी या तीसरी हार्वेस्टिंग है। हमने पहले भी एक दो हार्वेस्टिंग इसकी ले ली हैं जहाँ पर हमें थोड़ी सी हरी भिंडी मिली थी। और ये जो ग्रो बैग है ये 15x15 इंच का है। इसमें हमने काफ़ी देखिए काफ़ी सारे पौधे 2, 4, 6, 7, 14, 15 पौधे लगा रखे हैं और कम स्पेस में ज़्यादा हम जो है सब्जियां उगाना चाह रहे हैं, तो भिंडी काफ़ी अच्छे से हो जाती है। आप देखिए पौधे में काफ़ी स्पेस बचा हुआ है, ऐसा नहीं है कि पौधे बहुत पास पास हैं, तो आप इतने पास लगा सकते हैं। बाकी अगर एक छोटा ग्रो बैग की बात करें तो 12x12 इंच के ग्रो बैग में एक पौधा और उसके बाद फिर ग्रो बैग का साइज आप बढ़ाते जाएंगे तो आप पौधों की संख्या भी बढ़ा सकते हैं। और आप देखिए भिंडी अगर एक बार लगना शुरू हो जाए तो बहुत ज़्यादा लगती है और इसका फूल भी बहुत सुंदर लगता है देखने में। अभी इसमें काफ़ी ज़्यादा एफिड्स का अटैक हुआ है तो हमने इसमें नीम ऑयल का स्प्रे कर दिया है 2 बार। अभी कुछ तो कंट्रोल हो गया है लेकिन ऊपर आप देख सकते हैं अभी भी आ रहा है, तो फिर से इसमें नीम ऑयल का हमें स्प्रे करना होगा। और ये देखिए कुछ छोटे पौधे धूप की कमी के कारण ये छोटे हैं और बाकी भिंडी तो इनमें भी आ रही है, बस थोड़ी सी छोटी हो रही है। तो जैसे ही इनको धूप लगने लगेगी ये पौधे भी हमारे बड़े हो जाएंगे। ये 3-4 पौधे देखिए जहाँ धूप लग रही है वहाँ पौधे थोड़े बड़े हो रहे हैं। और अगर धूप की कमी होगी तो इस तरह से भिंडी ख़राब भी होने लगेगी। इसके ऊपर अगर आप ध्यान देंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखिए ये भिंडी की जो बड्स है वो ख़राब हो गई है, ये देखिए। तो इस तरह से धूप की कमी के कारण भी जो है पौधों से फूल गिरते हैं, तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना होगा कि कहीं आपके पौधों में धूप की तो कमी नहीं है। अक्सर मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि मेरे पौधों के फूल ख़राब हो रहे हैं, गिर रहे हैं, तो ये भी एक फैक्टर होता है, इसे भी आप ध्यान रखिए। भिंडी कैसी लगी आपको बताइए, इसे रख देते हैं सब्जियों के साथ। दोस्तों ये है हमारी गिलकी। अब देखिए आप ये बड़ी हो गई हैं और इस तरह से जब गिलकी बड़ी हो जाए तो आप इन्हें तोड़ लीजिए। और अभी देखिए नीचे से 2 गिलकी तोड़ी हैं, ऊपर आप देख सकते हैं इस तरह से काफ़ी अच्छी गिलकी इस बार हमारी ये बनी हुई है। ये देखिए कितनी अच्छी गिलकी है ये, कुछ इसमें डार्क ग्रीन है और कुछ इसमें लाइट ग्रीन है, ये देखिए। ये देखिए ये दोनों गिलकी बहुत अच्छी हैं और इन्हें रख देते हैं यहां पर। और ऊपर कुछ गिलकी लगी हैं उन्हें भी मैं तोड़ लेता हूं। देखिए इतनी गिलकी हमें मिल गई हैं और इन्हें रख देता हूं मैं यहां पर।
दोस्तों ये हैं हमारे गोल वाले करेले और आप देखिए अब इनका साइज कितना बड़ा हुआ है। और गर्मी में करेला मतलब सबसे फेवरेट चीज है और बहुत ही कॉस्टली हो जाते हैं ये, काफ़ी महंगे मिलने लगते हैं। और इस तरह से अगर आप छोटे करेले खाने के शौकीन हैं तो इन्हें ज़रूर लगाइए। बिटरगर्ड स्मॉल के नाम से इनके बीज मिलेंगे और गर्मी भर आप इन्हें उगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, बहुत अच्छे से ये हो जाते हैं। हमने ग्रो बैग में ही लगा रखे हैं और जो क्रीपर नेट है उसे फैला रखा है। इस तरह से हमारे जो छत की एक साइड की वॉल है उस पर। और करेला के लिए जो ग्रो बैग आप यूज कीजिए, या तो 18x18 इंच या इस तरह से 24x24 इंच का ग्रो बैग यूज कीजिए, ये बहुत अच्छे ग्रो बैग होते हैं। एक ग्रो बैग में 4 से 5 करेला के पौधे आप लगा सकते हैं। थोड़ा सा इस तरह से हिलाकर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि करेले कहाँ पर लगे हुए हैं। अच्छा, इसके साथ कुछ करेले, आपके जो सवाल आ रहा था कि कुछ करेले छोटे करेले ही पक गए हैं, तो वो क्या होता है, उनमें पॉलिनेशन नहीं होता है। जैसे आप ये देखिए ये करेला ख़राब हो गया है, तो इस तरह से छोटे करेले अगर पॉलिनेशन उनमें नहीं होगा तो ख़राब हो जाएंगे, तो वो जो है थोड़े से पीले पड़ जाएंगे, तो आपको लगेगा कि करेला पक गया है। तो इसमें भी पॉलिनेशन का कभी कभी इशू आता है, पॉलिनेशन नहीं होता तो करेले फिर बड़े नहीं होते हैं। और ये छोटे और बड़े करेले मिक्स लगे हैं मेरे, तो अभी तो हम देखिए छोटे करेले तोड़ रहे हैं यहाँ सर, और ग्रीन में ग्रीन दो ये देखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और हाँ, हम तोड़ते हैं ये देखिए, ऊपर के कुछ मैं तोड़ लेता हूँ, ये तो अभी तोड़ लेते हैं, छोटा है लेकिन तोड़ लेते हैं, क्योंकि अब दूसरे करेले भी काफ़ी इसमें आ रहे हैं, उनके हिसाब से हम जो करेले हैं इन्हें तोड़ लेते हैं। और आप देखिए एक एक जो करेले तोड़ते हुए कितने सारे करेले हो जाते हैं। और यहाँ पर भी देखिए ये लगा हुआ है, और इसकी बेल को भी आप आराम से ही ट्रीट करना है, वरना ये बहुत जल्दी टूटती है, बहुत ही नाजुक होती है इसकी बेल। ये देखिए पीछे एक इस तरह से करेला लगा हुआ है। और अगर मैं ऊपर दिखाऊं तो आप एक बार देखिए ऊपर भी कितने अच्छी इसकी बेल जा रही है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एक यहाँ पर एक और है, तो इसे हम तोड़ लेते हैं। और आप देखिए मैं कैसे हिलाता हूँ, इस तरह से हिलाऊंगा तो ये जो करेले हैं वो दिखने लगते हैं, कुछ छोटे करेले लगे हैं यहाँ पर, और एक ये पीछे है। साथ में अब यहाँ से आप देखेंगे तो जो है हमारे बड़े करेले के जो है ग्रो बैग आ गए हैं, यहाँ से आप देखिए ये वाले, तो यहाँ से जो लंबे करेले हैं कुछ इस तरह से ये आते हैं, ये देखिए आप, तो ये भी थोड़ा ज़्यादा लंबा तो नहीं होगा लेकिन है, 6 से 8 इंच का ये हो जाएगा। जैसे अभी ये छोटे हैं करेले, और ये देखिए ये भी काफ़ी लंबा है। और ये भी मैं तोड़ ले रहा हूँ, ये थोड़ा छोटा है लेकिन तोड़ने के लिए रेडी है। ऊपर देखिए एक बड़ा करेला लगा है, और इधर मम्मी को दिख गया एक नीचे रखा हुआ करेला, ये है। ये देख सकते हैं काफी करेले हो गए हैं। एक और करेला है ये सामने, तो इसे मैं इसी ग्रो बैग पर खड़े होकर तोड़ लेता हूँ इस तरीके से। और बाकी यहाँ पर भी एक करेला ख़राब होते हुए दिख रहा था मुझे यहाँ कहीं, ये देखिए, तो इस तरह से जो करेला है वो भी पॉलिनेशन नहीं हुआ है इसलिए ख़राब हो गया है। तो ये करेला हमने तोड़ लिया है, और इतने करेले मिल गए हैं, इन्हें रख देते हैं सब्जियों के साथ। अब देखिए यहाँ पर लगा है हमारा ये कद्दू, और ये भी हो गया है अब बड़ा, तो आज मैं इसे भी यहाँ से तोड़ने जा रहा हूँ। ये देखिए इसको भी मैंने डिस्पोजल जो हमारे बैग हैं उसी में इसको बांध रखा है, तो इसको थोड़ा सा हमें मैं कोशिश करता हूँ इसको छोड़ने की। ये देखिए निकल गया है, और अगर मैं यहाँ से इसे निकालूँ तो कद्दू आपको दिख जाएगा, ये देखिए, तो ये कद्दू हमारा बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा है। मम्मी आप कट कर देना ऊपर से, ये देखिए
ये देखिए पहला कद्दू मिला है हमें गर्मी वाला और काफ़ी अच्छा है और इसकी सब्जी बनाकर खाएंगे। आपको इस तरह से कद्दू खाना पसंद है कि नहीं ज़रूर बताएं। और ये कद्दू का जो पेड़ है मैंने इस तरह से 24x24 इंच के ग्रो बैग में लगाया है। एक ग्रो बैग में 3 पौधे हैं, 4 लगाए थे, एक ख़राब हो गया, तो एक कद्दू ये बन रहा है। दूसरा कद्दू यहाँ पर देखिए ये बन रहा है और अभी इसमें और भी कद्दू आ रहे हैं, इसलिए हमने थोड़ा सा छोटा कद्दू यहाँ से तोड़ लिया है क्योंकि जो कद्दू की बेल है अब यहाँ से बड़ी हो रही है और इसमें ढेर सारे कद्दू बन रहे हैं। कैसे कद्दू बन रहे हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये कद्दू यहाँ पे आ रहा है, तो ये कद्दू रख देते हैं सब्जियों के साथ और आप बताइए आपको कैसा लगा। दोस्तों ये है हमारी तोरई और तोरई को तोड़ने के लिए आपको देखता हूँ मैं इस तरह से इसको तोड़ पाता हूँ कि नहीं। टूट गई देखिए, यहाँ पर रख देंगे इसे। और दूसरी तोरई ये है, इसे भी हम यहाँ से तोड़ लेंगे। और तीसरी तोरई थोड़ी सी पतली है लेकिन मैं इसे भी आज तोड़ लेता हूँ ताकि हमारी दूसरी तोरई जो है बड़ी होने लगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 ढेर सारी तोरई आ रही है, एक पीछे लगी है तोरई। और एक ही ग्रो बैग में इसके पौधे हैं 3-4 पौधे, एक और मिल गई मुझे यहाँ पर। ये भी थोड़ी पतली है लेकिन इसे भी हम अभी आज तोड़ लेते हैं। तो 4 तोरई हमें मिली, आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। दोस्तों ये है हमारी गाजर और अभी गर्मी में गाजर जो है कुछ बड़ी नहीं हो रही है, तो जैसे मैंने आपको पिछली हार्वेस्टिंग में बोला था कि यहाँ से इस गाजर को हम अब निकाल लेंगे, थोड़ी बहुत ही गाजर यहाँ से बचने वाली हैं और मेरे हिसाब से तो अब इनकी ग्रोथ रुक गई है। ये देख सकते हैं इस तरह से मिल रही हैं, खाने में तो काफ़ी टेस्टी लगती हैं, छोटी ज़रूर हैं लेकिन अब जो है ये बड़ी नहीं हो रही हैं। तो मैं आज देखता हूँ कितनी गाजर मुझे मिलती हैं, तो ज़्यादातर गाजर निकाल लेंगे। और ये करूड़ा वैरायटी है, ये छोटी ही होती है तो गर्मी में इसका साइज और छोटा होने लगा, पहले ही ये छोटी होती है। इस तरह से मिट्टी आप देखिए हमारी कितनी अच्छी है कि गाजर 1 निकाल रहे हैं, 2 निकल रही हैं। और ये देखिए काफ़ी अच्छी गाजर हैं, देखने में तो बहुत अच्छी लग रही हैं, खाने में भी उतनी ही अच्छी लगती हैं। अब ये है हमारे प्याज वाला ग्रो बैग और प्याज आप देखिए इस तरह से कितनी अच्छी बन गई है और अभी भी इसकी पत्तियां हरी हैं, मतलब अभी भी ये बड़ी हो रही है। और जैसे जैसे हम हार्वेस्टिंग करते जाते हैं, हर हार्वेस्टिंग में हम यहाँ से कुछ प्याज को निकालते जाते हैं। देखिए कितनी अच्छी प्याज है, साइज आप देखिए मार्केट में जो प्याज मिलती हैं बिल्कुल वही साइज है। और आज यहाँ से देखता हूँ मैं कुछ 5 प्याज यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ, काफ़ी है। इसकी इस्तेमाल वैसे तो हम सलाद में करते हैं क्योंकि ये बहुत ही खाने में टेस्टी लगती है और साथ में पता भी नहीं चलता और आप इसे खा सकते हैं। बाकी और भी जगह इसका इस्तेमाल किया जा सकता है लेकिन बेसिकली हम इस्तेमाल कर रहे हैं सलाद में। तो ये प्याज आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं और आप भी इस तरह से होम गार्डन में प्याज उगा सकते हैं। ये 36x36 इंच का ग्रो बैग है, PVC फ्रेम के साथ ये आता है, तो इसे रख देते हैं सब्जियों के साथ। दोस्तों ये ग्रो बैग है हमारे चुकंदर का और आप देखिए अब चुकंदर के पौधे बड़े हो गए हैं और पहली चुकंदर हमें हार्वेस्ट करने मिल जाएगी यहाँ से आज। तो ये देखिए ये एक चुकंदर ही बनी है अभी यहाँ पर और तो इसे हमने निकाल लिया है, बाकी और भी बनेंगी। ये पौधे मैंने ट्रांसफ़र किए थे, मतलब पौधे बनाए थे फिर इसको लगाया था और काफ़ी अच्छी चुकंदर है, साइज थोड़ा सा छोटा मिला है, तो इसे रख देते हैं सब्जियों के साथ। दोस्तों ये पालक है और इसकी लगभग तीसरी या चौथी हार्वेस्टिंग हो रही है, पिछली हार्वेस्टिंग में हमने पूरा बिल्कुल इसको बॉटम से हार्वेस्ट कर लिया था और अब आप देखिए इसके पौधे से फिर से ये पत्तियाँ ग्रो हो गई हैं और हमने नई पालक भी लगा दी है, साथ में इसकी भी हार्वेस्टिंग चल रही है। तो अगर आप पालक उगाना चाहें गर्मी में तो आप गर्मी भर उगा सकते हैं। ये एक इस टाइप का कह सकते हैं कि गलत वो बनी हुई है धारणा कि पालक केवल ठंड में होगी या सर्दी के मौसम में होगी, लेकिन पालक गर्मी में भी हो जाती है बड़े आसानी से। मैं हर साल गर्मी में ढेर सारी पालक और धनिया उगाता हूँ और ऐसी हार्वेस्टिंग हम कंटिन्यू लेंगे, तो गर्मी में पालक ज़रूर लगाएं। ग्रो बैग ये 24x9 इंच लग रहा है मुझे, तो 24x6, 24x9 इंच या 24x12 इंच का ग्रो बैग सही होता है। डीप इनकी रूट नहीं जाती बहुत ज़्यादा और सीधे बीज लगा दीजिए, लगभग
40 दिन में ही आपको पालक की पहली हार्वेस्टिंग मिल जाएगी। पालक कैसे उगाना है उसका वीडियो चैनल पे पब्लिश है, आप जाकर देख सकते हैं। देखिए इतनी हमें पालक मिल गई है। इस पालक को देखिए यहाँ पर रख देता हूँ मैं मेरी सब्जियों के साथ, ये रख दी। तो ये देखिए ये हैं हमारे पीले वाले टमाटर और चार यहाँ से जो है ये पीले टमाटर अब पक गए हैं। तो पकने पर ये इस तरह से पीले होंगे और जब ये कच्चे रहेंगे तो इस तरह से हरे होंगे। ऊपर आप देख सकते हैं एक ही पौधे में ढेर सारे टमाटर लगे हैं, तो इन्हें रख देते हैं सब्जियों के साथ। दोस्तों देखिए ये स्ट्रॉबेरी वाला ग्रो बैग है और यहाँ पे पूरी सर्दी हमने स्ट्रॉबेरी तोड़ी है और अभी भी कुछ स्ट्रॉबेरी हमें मिल रही हैं। तो एक ये है और यहाँ पर एक ये है, ये देखिए। तो ये दो स्ट्रॉबेरी हमें मिल गई हैं। थोड़ी सी कलर इनका अभी रेड नहीं हुआ है लेकिन हमने तोड़ ली हैं क्योंकि गिलहरी भी खा जाएगी और दूसरी स्ट्रॉबेरी भी यहाँ पर लग रही हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर तोड़ लिया। गर्मी के कारण अब पौधे थोड़े से कमज़ोर हो रहे हैं, कुछ स्ट्रॉबेरी ख़राब भी हो रही हैं। बाकी हमने इन्हें सैडी एरिया में रखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर ये गुड़हल का पौधा है जहाँ पर हमने इन्हें रखा है। तो ये दो स्ट्रॉबेरी आपको कैसी लगी, इन्हें रख देते हैं सब्जियों के साथ। दोस्तों ये है हमारी लाल भाजी, रेड अमरंथ जिसे कहा जाता है, और इसकी ये पहली हार्वेस्टिंग हो रही है। पुरानी जो भाजी लग गई थी उसको हटा दिया था, नए बीज लगाए थे। बहुत जल्दी हो जाती है, 30 से 40 दिन में ही इसकी पहली हार्वेस्टिंग हमें मिलने लगती है और खाने में ये बहुत ही पौष्टिक होती है, न्यूट्रिशन रिच है। अगर आप इसे सुपर फूड की कैटेगरी में रखें तो भी सही है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होते हैं। एक बार आप इसके बारे में पढ़ भी सकते हैं और लगाइए, बड़े आसानी से हो जाती है, बिल्कुल ईजी टू ग्रो प्लांट है। एक बार लगा देंगे, लगाने के बाद पानी देते रहिए, भूल जाइए, बहुत ज़्यादा खाद नहीं देना है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। फुल सनलाइट में आप रखिए, गर्मियों में बड़े आसानी से ये हो जाएगी। और हार्वेस्टिंग का तरीका यही है, आपको इनके जो मोटे स्टेम हैं उन्हें कट कर लेना है। पत्तियों को भी हार्वेस्ट कर सकते हैं, साथ में ये स्टेम भी खाई जा सकती है, बहुत ही इसमें अच्छा टेस्ट होता है। तो स्टेम के सहित आप अगर इस तरह से पतला स्टेम है, स्टेम के सहित बनाइए, बहुत अच्छी लगेगी, भाजी ही बनती है इसकी। बाकी आप इसको और भी जगह यूज कर सकते हैं, जैसे भी आप बनाना चाहें। तो ये देखिए इतनी सारी हमें लाल भाजी मिल गई है और इसे रख देते हैं सब्जियों के साथ। आपको इस तरह से लाल भाजी खाना पसंद है कि नहीं, ज़रूर कमेंट्स करें। दोस्तों ये हमारे नए पालक के पौधे तैयार होने लगे हैं, आप देख सकते हैं बहुत जल्दी यहाँ से नई पालक मिलेगी और बिल्कुल नया बैच ये लगा हुआ है। देखिए अभी हमने लगाई थी, कार्डबोर्ड के टुकड़े से इसे ढका था, तो अभी ये जो है जर्मिनेट हो गए इसके बीज, तो हमने वो जो है कार्डबोर्ड हटा दिया है। अभी हमने लाल भाजी हार्वेस्ट की और अब है ये हरी भाजी जिसे चौलई की भाजी कहा जाता है, और ये भी सेम उतनी ही न्यूट्रिशन रिच होती है और इसे भी बड़े आसानी से आप सेम मेथड से उगा सकते हैं। लाल भाजी और चौलई की भाजी, इनके बीज जो है आपको मिल जाएंगे वेबसाइट organicbazaar.net पर, सेम बीज मिलेंगे यही क्वालिटी के और यही आपको रिजल्ट मिलेगा। और ये जल्दी हो जाते हैं पौधे, तो आप इजीली लगा सकते हैं और किसी भी ग्रो बैग में गमले में लगा दीजिए। इनके लिए स्पेसिफिक कोई साइज नहीं होता, जड़ें इनकी डीप नहीं जाती, तो 6 इंच मिनिमम गहराई होनी चाहिए गमले की बस। और पत्तों में आप जो ये देख रहे हैं थोड़े थोड़े छेद हैं, तो यहाँ पे किसी जो है कैटरपिलर का मे भी यहाँ पर है, इल्ली जिसे बोलते हैं, और वो रात में निकलती है, रात में ही ये पत्ते खाएगी और फिर वो नीचे मिट्टी में जाके छिप जाएगी। तो इस तरह का अगर आपको देखना है तो आप रात में अगर लाइट से देखेंगे तो मे भी आपको मिल जाए, तो हाथ से आप उन्हें हटा दें, सबसे आसान तरीका है। फिर नीम ऑयल का स्प्रे करें, बाकी वो नीम ऑयल का स्प्रे करेंगे तो पत्ती खाना छोड़ देगी, बाकी मरती नहीं है वो उससे, तो बाकी फिर से आ जाएगी कुछ दिन बाद। तो हाथ से अगर दिख जाए तो हटाना सबसे बेस्ट तरीका होता है। बाकी इनको और सही कर लेंगे, जो पत्तियां हैं इन्हें हटा देंगे। इनकी स्टेम भी अगर पतली है तो आप स्टेम सहित इन्हें बना सकते हैं, इसकी भाजी बनाई जाती है। आप चौलई की भाजी का किस तरह से खाने में इस्तेमाल करते हैं ज़रूर बताएं। दाल में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, पिछली बार कमेंट्स आ रहा था कि
दाल में भी इस्तेमाल करते हैं, तो दाल में भी बिल्कुल इसका इस्तेमाल किया जाता है। और अगर इसके पत्ते अच्छे हो जाएं तो बहुत ज़्यादा ये आपको हार्वेस्ट करने मिलेगी। ये देखिए इतनी चोले की भाजी मिल गई है, इसे रख देते हैं सब्जियों के साथ। दोस्तों ये हैं हमारे छोटे वाले बैगन, चूचू बैगन, भरमा बैगन में हम इनका इस्तेमाल करते हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और लगातार इनकी हार्वेस्टिंग मिल रही है सर्दियों से अभी तक। अभी पौधे में स्पाइडर माइट का अटैक हो रखा है, पत्तियां वगैरह हम हटाते जा रहे हैं, फिर भी अगर कंट्रोल हो गया तो ठीक, वरना इन पौधों को आगे चल के हटाना पड़ेगा और नए पौधे बना लेंगे हम। अभी आप मान के चलिए अप्रैल में भी लगा सकते हैं इनके बीज, बाकी मई में लगाएंगे तो रेनी सीजन में आपको बैगन मिलने लगेंगे। और ये साल भर हो जाता है, बैगन एक ऐसा कह सकते हैं कि सब्जी है जो साल भर होम गार्डन में हो भी जाएगी और साल भर ही मिलते रहेंगे। पौधे लंबे चलते हैं लेकिन पुराने पौधों में जो है फल छोटा होने लगता है, मतलब बैगन का साइज छोटा होता है और नए पौधों में बड़ा होता है। तो ये चूचू बैगन इतने मिले हैं, एक यहाँ पर भरमा बैगन लगा है तो इसे भी यहाँ से तोड़ लेते हैं। सारे बैगन एक साथ रखेंगे, एक ही बैगन ख़राब हो गया है, देखिए इसे मैं हटा देता हूँ। ये देखिए इसमें कीड़ा लग गया है इस तरह से, और एक यहाँ पर है ये हमारा भरमा बैगन, भरता बैगन, ये भी छोटा होने लगा है। इसका भी पहले बहुत बड़ा साइज मिला था हमें, अभी ये भी छोटा हो रहा है। और कुछ हमारे सीडलेस बैगन हैं और नए पौधों में आपको दिखा दूँ तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आने लगे हैं बैगन। ये भी नया पौधा है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं नया पौधा है, ऊपर फूल आ रहा है, नीचे बैगन लग गया है। तो नए पौधों में भी काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग अब शुरू होगी। और यहाँ पे देखिए ये एक ही ये लगा हुआ है, तो ये भी छोटा हुआ है, छोटा है ये ब्लैक बैगन। और बाकी आज इतने ही बैगन हमें मिल रहे हैं, इन्हें रख देते हैं सब्जियों के साथ, आपको कैसे लगे ज़रूर बताएं। दोस्तों ये है हमारा पुदीना और इसकी मैंने कटिंग कर दी थी अभी जैसे ही सर्दियाँ ख़त्म हुई थी, तो अभी देखिए पूरा फिर से आया है। इसे बॉटम से ही हमें कट करना होगा, बिल्कुल नीचे से, और जैसे जैसे आप इसे कट करते जाएंगे वैसे वैसे ये बहुत जल्दी रीग्रो होगा और बहुत जल्दी इस तरह से घना बनेगा। तो हार्वेस्टिंग में कर लें, और इसकी बहुत तेज़ खुशबू आ रही है। कटिंग से इजीली हो जाता है, पुदीना कैसे उगाएं उसका वीडियो चैनल पे पब्लिश है, उसमें मैंने दोनों मेथड बताई हैं, कटिंग से भी और बीज से भी, क्योंकि बीज भी आपको अगर कटिंग नहीं मिलती तो बीज से उगा लीजिए, बीज मिल जाएंगे वेबसाइट organicbazaar.net पर, और वीडियो देख लीजिए बीज को कैसे उगाया जाता है पुदीना के। बाकी ये कटिंग से लगा हुआ है जो अभी मैं हार्वेस्ट कर रहा हूँ, और पिछली हार्वेस्टिंग में जो बीज से हमने पुदीना लगाया था वो भी हमने हार्वेस्ट किया था। इससे पानी की नीड बहुत होगी और ये बहुत ज़्यादा फैलेगा, तो जब भी आप लगाएं जिस भी ग्रो बैग में तो वो सेपरेट ग्रो बैग हो, वरना जिस भी ग्रो बैग में आप लगा देंगे तो ये पूरे ग्रो बैग को कवर कर लेगा और उसमें जो भी पौधा होगा फिर उससे नहीं बढ़ने देगा। तो पुदीना की ये खासियत होती है, एक टाइप की ये कह सकते हैं कि घास है और बहुत जल्दी ये बढ़ता है। साथ में इसे सनलाइट पसंद होता है तो आप इसे फुल सनलाइट में ही रखिए। हमने भी यहाँ पर देखिए ओपन छत है हमारी और छत पर फुल सनलाइट में इसे रखा हुआ है, फुल सनलाइट में ये अच्छा रिजल्ट देता है। पानी देते रहिए, मॉइस्चर इसे ज़रूरी होता है, पानी नहीं देंगे तो सूखने लगेगा। जो कटिंग हमने लगाई थी वीडियो में देखिए वो इस तरह से चल गई हैं, और अगली हार्वेस्टिंग में इनसे भी हार्वेस्ट कर लेंगे तो फिर यहाँ से फिर ये हो जाएगा। इस तरह से हार्वेस्टिंग करने के बाद इसमें आप बर्मी कंपोस्ट डाल देंगे तो इसमें काफ़ी अच्छी न्यू ग्रोथ आएगी, बहुत अच्छी ये ग्रोथ करता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए मैंने अभी एक वीडियो बनाया था विंटर सर्दियों के बाद पुदीना की केयर कैसे करें, तो उसमें देखिए इस पुदीना की हमने कर दी थी हार्वेस्टिंग, बिल्कुल बॉटम से इसे काटा था और डाला था गोबर की खाद, ये नीचे आप देख रहे हैं गोबर की खाद है। अब आप देखिए ये कितना अच्छा ग्रो हो गया है, कितनी अच्छी इसमें जो है ग्रोथ आ गई है। इसी तरह से इसकी ये बड़ी देखिए अभी देखेंगे पत्तियाँ दिख रही हैं या ये स्टेम दिख रही, तो इन्हें काटेंगे तो इसमें भी ऐसी ही ग्रोथ आ जाएगी। तो आप वो पुदीना का वीडियो देख लीजिए, पुदीना की केयर कैसे करें वो भी हमने पब्लिश किया हुआ है, और पुदीना कैसे उगाएं उसको भी हमने जो है वीडियो अपलोड कर दिया है मैंने, तो उसे जाकर देखें ये पुदीना कैसा लगा ज़रूर बताएं। इसे रख देते हैं सब्जियों के साथ। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं सौंफ है, और अगर आपने सौंफ पहले नहीं देखी कैसे पौधे में होती है तो देख लीजिए इस तरह से ये लगती है। आप इसे बड़े आसानी से घर पर ही उगा सकते हैं, सर्दियों में इसे लगाया जाता है इस तरह से, देखिए ये हो जाएगी।
और इसे अगर आप नहीं काटेंगे तो ये यहीं सूखने लगती है। इस तरह से देखिए ये सूखने लगी है यहाँ पर। एक देखिए तो बड़ी बड़ी जो है, एक मम्मी ये वाली और तोड़ लीजिए बस। अभी जो छोटी हैं देखिए, ये वाली सौंफ तो हमने इन्हें छोड़ दिया है, और जो बड़े हो गए हैं बंच, जो कंप्लीट सौंफ बन गई है उसे हमने हार्वेस्ट कर लिया है, ये आप देख सकते हैं। और खाने में बहुत ही अच्छी लगती है, आप माउथ फ्रेशनर की तरह इसे थोड़ा सा एक दो दिन ड्राई कर लीजिए और फिर खाइए, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो इन्हें रख देते हैं हमारी सब्जियों के साथ। दोस्तों ये हैं हमारे चेरी टमाटर। अब आप देखिए, चेरी टमाटर मैंने बहुत तोड़े हैं, आपने देखे होंगे, और अभी भी गर्मियाँ आ गई हैं और चेरी टमाटर में से जो है चेरी टमाटर लग रहे हैं, जो लग गए थे वो पक रहे हैं, कुल मिला के ये समझिए। और इस तरह से इन्हें तोड़ते जा रहे हैं हम, पिछले बार भी हमने कुछ तोड़ लिए थे। एक यहाँ पर हमने, ये सामने हमारे, और पौधे काफ़ी बड़े हो गए हैं इनके, लगभग 8 फीट के 8 आसपास इनके पौधे हो गए हैं, आप देख सकते हैं। और ऊपर भी टमाटर लगे हैं, यहाँ भी टमाटर हैं, तो सारे टमाटर आज हम तोड़ लेंगे, जितने ये रेड हो गए हैं, हल्के रेड हुए हैं, थोड़े से पीले हैं, थोड़े से रेड हैं, ये देखिए आप इस तरह से हुए हैं। तो अभी और जितने टमाटर हैं वो तोड़ लेंगे, साथ में ये पौधा देख लीजिए, नया पौधा है, ये नया हमने बनाया है। और ये देखिए पूर्वा ले आई, एक टमाटर रख दिया। ये नए पौधे में भी देखिए अब टमाटर आने लगे हैं, शायद ये देखिए टमाटर खराब भी हो गया है, और ये टमाटर अब पक रहे हैं। और ऊपर के टमाटर मैं अभी तोड़ लेता हूँ ये वाले, और फिर इसी बास्केट में हम इन्हें रख देते हैं। तो दोस्तों देखिए, इतने चेरी टमाटर हमें मिल गए हैं, और यहाँ पर रख देता हूँ मैं इन्हें, ये रख दिए हमने दोस्तों। तो देखिए आज हमें मिल गई हैं इतनी सारी सब्जियां अपने छत पर बने हुए टेरेस गार्डन से तोड़ने के लिए, और आज देख लेते हैं फटाफट हमें क्या क्या मिला। इस तरफ से शुरुआत करते हैं, तो 3 आज की हार्वेस्टिंग की सबसे बड़ी जो लौकी है वो मिली हुई है। ये देखिए काफी ज्यादा वजन है इसका, लगभग 3 किलो के आसपास होगी ये, और आप देखिए लगभग 3, 6, 8 के आसपास किलो तो लौकी मिली है। पुदीना, यहाँ पे सौंफ, यहाँ पे आप देख रहे हैं तो काले वाले बैगन, 3 जुकिनी, 1 बटरनट स्क्वैश, यहाँ पे देखिए टमाटर, गर्मियों में बहुत अच्छे रेड लाल टमाटर कितने अच्छे यहाँ पर मिले हुए हैं। ये देखिए आप खीरा, अब इसमें ये अमेरिकन ब्लैक खीरा भी मिली है, हमारी नॉर्मल देसी खीरा भी यहाँ पर मिली हुई है। यहाँ पर है ये लाल ओकरा, मतलब लाल भिंडी, ये हरी भिंडी, यहाँ पे ढेर सारी गिलकी हमें मिली है, इसके बाद ये चेरी टमाटर हमें मिले हैं, एक कद्दू हमने तोड़ा है, लाल भाजी, चौले की भाजी, यहाँ पे मिली है पालक, ये हमें मिली है हमारी जो है तोरई रिजिटगढ़, ये देखिए करेला, और करेले में लंबे वाले करेले भी मिले हैं इस तरह से, छोटे वाले करेले भी मिले हैं, मिक्स करेले हमने तोड़े हैं, इतनी सारी गाजर, ये प्याज और एक चुकंदर। तो ये सारी सब्जियाँ जो हैं हमें मिली हैं हमारे छत पर बने हुए टेरेस गार्डन से। और देखिए पूर्वा लौकी उठाने की कोशिश कर रही है, और लगी हुई है उठाने की तैयारी में, लेकिन उठ नहीं पा रही है। तो आपको ये सब्जियां कैसी लगी जरूर बताएं, और क्या आप चाहते हैं इस तरह से अपने होम गार्डन में सब्जियां उगाना, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। आप बताइए मुझे ये सब्जियां कितने रुपए की मिली, अगर मैं मार्केट से खरीदता ऑर्गेनिक सब्जियां तो मुझे कितने रुपए देने होते। जो जो लोग कमेंट करते हैं बहुत अच्छा लगता है, मुझे पता चलता है कि मैं कितने पैसे बचा रहा हूँ। और कभी आप भी गार्डनिंग करेंगे, या कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कितने पैसे बचा सकते हैं, तो मैं उन्हें भी एक जनरल आइडिया दे सकता हूं कि इतने पैसे आप बचा सकते हैं घर की छत पर सब्जियां उगाकर, और फिर उन्हें इस तरह से आप हार्वेस्ट करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।